अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी कज़न आई हुई है लाहौर से, तो आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद उसके साथ एक हाई टी पे। और मास्क भी मैंने अपने साथ एहतियातन रख लिया था, क्योंकि जब हम मॉल्स गए थे तो वहाँ पे तो मास्क की चेकिंग हो रही थी। अभी हमें यहाँ के रेस्टोरेंट्स का नहीं पता। और आज जो मैं आपको हाई टी दिखाऊँगी उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं आगे भी पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंट जगहों की हाई टीज़ करूँगी और उन सब हाई टीज़ के आपको रिव्यूज़ भी दूँगी, और ये भी बताऊँगी कि इस्लामाबाद में और पिंडी कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि मस्ट ट्राई हैं। अगर तो आप पिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हैं तो ये वाले व्यूज़ देख के आप थोड़े से बोर हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते थे और अब आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो इस तरह के व्यूज़ देख के आपको अपनी इस्लामाबाद की काफ़ी मेमोरीज रिकॉल हो रही होंगी। तो इसीलिए ये वाले क्लिप्स उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मैं भी जब रियाद में होती हूँ तो मैं इस तरह के व्यूज़ और इस तरह की वीडियोज़ को इन्जॉय भी करती हूँ। और आज हम आए हैं मेंडा नोज यहाँ की हाई टी करने। यहाँ की हाई टी बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करें। और यहाँ पे पहले दूसरी वाली हाई टी थी और अब यहाँ पे मेन हाई टी है, वो मैं आपको चल के दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे कज़न का मास्क रह गया है और अब हम यहाँ पे मास्क लेने आए हैं, यही चेक कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में उस तरह से मास्क की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाई टी की टाइमिंग सिर्फ 2 आवर्स है और हमें हम आधा घंटा पहले चले गए थे, तो इसलिए हमें आधा घंटा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। सिर्फ एक टाइमिंग का इश्यू है इस हाई टी में, वरना इस हाई टी के आइटम्स बहुत अच्छे हैं। इस हाई टी बुफेट का मेन्यू हमें बहुत अच्छा लगा था और अभी हम ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं आपको डिटेल रिव्यू देती हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा था और क्या क्या चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी थी। अभी तक मैंने जितनी भी हाई टीज़ की हैं पिंडी इस्लामाबाद में, ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट देखा है कि यहाँ पे आपको कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, कार्डमम टी, सिंपल टी, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में ये पूरी मशीन थी और इनकी चाय और इनकी कॉफ़ी बहुत यम्मी थी।
हाई टी का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही हो तो। यहाँ पे मुझे इनकी स्वीट्स बहुत पसंद आई हैं, जो कि इनकी ये रेड वेलवेट पेस्ट्री थी और जो भी स्वीट्स में था इनके ये मूस केक, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये जो मेस हो गया इसको इग्नोर करें, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कज़न्स को यहाँ क्या क्या पसंद आया था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ का चाउमीन बहुत अच्छा लगा है, सूप कैसा लगा? सूप भी बहुत अच्छा, सूप अच्छा है। और बाकी इनके दोनों पास्ता, पास्ता। और अब एक और बंदे का रिव्यू भी ले लेते हैं। पहले तो सूप सामने पहले सूप का बताऊंगी कि सूप इनका बहुत अच्छा है और ये तो इनकी बहुत ज़्यादा यम्मी है। ये लेमन टार्ट बहुत ज़्यादा यम्मी है और इसमें चॉकलेट भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनके पास्ताज बहुत अच्छे हैं और इनके नूडल्स बहुत अच्छे हैं और चाट्स भी मुझे इनकी अच्छी लगी हैं। अभी मैं यहाँ पे ये चाट बना के लाई हूँ, तो ये चाट मुझे इनकी इतनी पसंद नहीं आई थी और रिव्यू तो आपने देख ही लिया है कि वो काफ़ी लंबा हो गया था, कज़न ने रिव्यू कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। तो अभी यहाँ पे आपको मिंट मार्गरीटा भी मिलेगी और ये रिफ़िल भी हो सकती है, तो उसमें एक पीना कोलाडा का ऑप्शन भी था, तो हमने सोचा कि पीना कोलाडा भी ट्राई करते हैं, लेकिन पीना कोलाडा भी बिल्कुल फेल था, वो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मिंट मार्गरीटा ठीक था। हाई टीज़ के या रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल रिव्यू देती हूँ। हाई टी के बाद हम लोग F6 मार्केट में यहाँ पे कुछ शॉप्स पे आ गए। मुझे विंटर शॉल्स बहुत पसंद हैं और मुझे कुछ टी मग्स भी चाहिए थे, जिसके लिए मैं यहाँ पे हारून्स पे आई थी और यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी लेकिन एक्सपेंसिव भी थी। मैं यहाँ पे कुछ कैंडल के प्राइसेस भी देख रही थी और पाकिस्तान में कैंडल की प्राइसेस बहुत हाई हैं। रियाद में तो हम आइकिया से, बाथ एंड बॉडी से, उनकी सेल्स में काफ़ी अच्छी कैंडल्स बाय कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के स्टोर्स में जहाँ पे आपको अच्छी कैंडल्स मिल सकती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे मुझे स्टोरेज बॉक्सेस काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अगर मैं इस तरह की चीज़ें रियाद ले जा सकती होती तो मैं ये ज़रूर लेती। आज हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन मैं जब भी इस्लामाबाद आती हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ एंटीक स्टाइल के डेकोर और इस तरह की चीज़ें लाजमी देखती हूँ, जैसे कि ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। ये सब काफ़ी हैवी थे इसलिए ये मैं अपने साथ ले जा तो नहीं सकती, और इसी तरह ये वॉल क्लॉक्स, ये टेबल्स, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी। ऐसी शॉप्स में जाकर तो विंडो शॉपिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है, तो मैं भी ये इंजॉय कर रही थी और आपको भी ये साथ साथ दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होंगी। घर आ गई हूँ मैं वापस, और क्योंकि आज कज़न ने भी चले जाना है लाहौर, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि जो शॉल मैंने बाय की है, काफ़ी ज़्यादा और भी शॉल्स थी, काफ़ी मोटे स्टफ़ में थी, लेकिन मुझे इतना मोटा स्टफ़ नहीं चाहिए। ऐसी सी शॉल लेना चाह रही थी जो रियाद में भी चल जाए, तो इस तरह के स्टफ़ में मैंने ये बाय की है। और ये वाली शॉल मुझे वहाँ पे 1000 रुपीज़ में मिल गई है, काफ़ी अच्छा स्टफ़ भी लग रहा है और प्रिंटेड भी बहुत अच्छी है। तो बस ये अब मैं यहाँ पर विंटर्स में यूज़ करूँगी, और यही आज की तो मेरी बस यही शॉपिंग थी।